गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शरारती अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशा खान। जिस तरह से हम आपको अक्सर टैलेंटेड लोगों से मिलवाते ही रहते हैं, तो आई होप आपको ये जो आप बहुत अच्छे कमेंट्स करके हमें हमारे इस जो एपिसोड को हैं बहुत बढ़ा रहे हैं, हमारा हौसला भी आपसे बढ़ रहा है। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही टैलेंटेड शख्स मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। इनका नाम है मॉर्लिन ब्राइटसन, ये गिटारिस्ट हैं, और मैं इनके बारे में अगर आपको और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे इनके सफर के बारे में कि इनको गिटार बजाने का शौक कब से आया और कब से इन्होंने बजाना शुरू किया। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ ये प्ले कर सकें। ओके, जरूर जी, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम निकल गई, मिलो मुझे कहीं बहुत अच्छा था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह सूरज हैं ये आपसे सीखते हैं, कितने साल हो गए इनको आपके साथ? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे साथ सीखते हैं। अभी ये मेरे साथ बैकिंग वोकल्स का काम करते हैं, कहीं पर भी मेरे इवेंट्स होते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ रखता हूँ ताकि उनको एक इंकरेजमेंट मिले, ताकि उनको भी एक ऐसी स्टेज मिले, और आगे जाकर फ्यूचर तो इन्हीं लोगों का है, तो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता हूँ और अपने साथ में रखता हूँ ताकि वो लोग आगे जाकर इस तरह से यूज टू हो जाए अपने ऑडियंस के, और जिस तरह से आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं वो सारे इंटरव्यूज में मैं अपने साथ रखता हूँ ताकि ये लोगों को अभी से प्रिपेयर्ड हो जाए पूरा आगे जाकर। जिस तरह से आपने बताया कि आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं आपके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहूंगी, किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं? देखिए, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे, मेरा नाम टाइप करेंगे मॉर्लिन ब्राइटसन, तो आपको मेरे बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। हम डांस के Feel 3 का ऑडिशन हमने जम्मू में करवाए थे, वो डांस का बहुत बड़ा एक मतलब इवेंट था, वो ऑर्गेनाइज करवाया था हमने। आई एम अ सिटी पार्टनर, उस चीज़ के हम पार्टनर बने थे, उनके साथ टाइप था हमारा। मेरे पूल पार्टीज़ होती हैं बहुत ही अच्छी, जम्मू की पूल पार्टीज़ होती हैं। मेरा जम्मूज नेक्स्ट टॉप मॉडल, अगर आप इवेंट इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे जम्मूज नेक्स्ट टॉप मॉडल, अभी तक की जम्मू की हिस्ट्री में वो बेस्ट एक मॉडलिंग इवेंट था। वो 2019 में हमारा हुआ था, 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड वो हमारा सेकेंड सीजन नहीं हो पाया, लेकिन अभी 21 में हम पूरी तैयारी के साथ एक मुंबई की कंपनी के साथ हमारा टाइप हो रहा है, कंपनी का नाम है फेंटा, तो वो कंपनी के साथ हमारा टाइप होगा, तो हम उसी तरह से वो अपना जो सेकंड सीजन होगा वो बहुत ही बड़े लेवल पर दोबारा से करेंगे। जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपने कब ये सब शुरू किया गिटार बजाना? आपने जिस तरह से बताया आप नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं नॉर्थ में,
काफी सारे आपने शोज किए, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए हर किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में कई सारे पार्ट आते हैं, तो मैं भी अपने एक दोस्त से अट्रैक्ट हुआ था, वो गिटार बजाते थे, तो आफ्टर 12th मुझे लगा कि स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे हम, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए हमारे अंदर जिससे हमारी एक आइडेंटिटी बने, तो फिर मैंने गिटार को चूज़ करा आफ्टर 12th। तो जब आफ्टर 12th हमने गिटार को चूज़ करा, तो एक साल हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी मेहनत करी, तो उसके बाद हमने कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म करना शुरू करा, तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इस तरह से करते करते हम लोग बाहर बहुत ही नेशनल आर्टिस्ट के साथ, परिक्रमा के साथ, मैं जसलीन रॉयल के साथ, स्मिथ सैन एंड क्रॉनिकल्स जो कि अग्नि बैंड के फाउंडर हैं, उन काफ़ी लोगों के साथ परफॉर्म कर चुका हूं मैं, और बहुत अच्छा लगता है जब नेशनल लेवल पर हमारे एक जम्मू जैसी सिटी से लोग हमें बाहर बुलाते हैं, हमारे लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और मतलब कि टिकट शोज करें हमने बहुत बड़े लेवल के शोज, डेली एक्सेलसर में काफ़ी सारे बिग 92.FM एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ FM हर जगह से इंटरव्यू उन्होंने हमें कवरेज किया, हमें सपोर्ट किया और मतलब अपना प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप हमें बुलाया, आपने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे काम को लेकर फीचर किया, तो बहुत थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपका। तो ज़रूर इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मेहनत कर रहे हैं और आगे भी देखेंगे कहाँ तक ले जाते हैं ऊपर वाले। हम आपसे एक और सॉन्ग सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। अभी लेटेस्ट सॉन्ग सुनाऊंगा, काफी ज्यादा मतलब विशाल मिश्रा ने बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग गाया, तो वही सॉन्ग मैं जरूर गाना चाहूंगा सबके लिए। सबको ना मिलता है
आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से आपको बाहर बुलाया, आपने पूरे नॉर्थ में परफॉर्म किया, मैं जानना चाहूंगी आपको जम्मू में इतने सारे शोज नहीं होते, आपको क्या लगता है क्या रीजन है इनका? देखिए, बहुत सारे चैनल्स पर मैं ऑलरेडी ये चीज कह चुका हूँ कि जम्मू में आप अपना करियर नहीं बना सकते इस फील्ड में। क्यों नहीं बना सकते? देखिए, हमारे यहाँ पर लोग उस लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करवाते हैं कि आप लोगों को अपने पास खींच सको, कि मतलब आपके पास स्पॉन्सर्स की कमी रहती है। जब हमारे पास स्पॉन्सर्स की कमी रहती है तो हम आर्टिस्ट को पे नहीं कर पाते हैं, तो जब हम आर्टिस्ट को पे नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो इस चीज़ में कभी आना नहीं चाहेंगे। तो आप दिल्ली में चले जाएंगे, जब हम दिल्ली में परफॉर्म करते हैं, हमारे वहां पर आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर मैं यहां पर बैठा हूं, मैं यहां पर ओपनली गा रहा हूं, तो यहां पर कई लोगों की सोच होगी, करे क्या यार, मतलब ऐसे इस तरह से वेला बैठकर गिटार बजा रहा है। तो ये जो लोगों की मेंटालिटी है वो चेंज थोड़ा सा होने की ज़रूरत है। एक आर्टिस्ट के लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली में चंडीगढ़ में चले जाएंगे आपको इस तरह से बहुत सारे लोग बैठ कर मिल जाएंगे, जैमिंग करेंगे वो। हम लोग अगर जब बैठते हैं तो हम लोग जैमिंग करते हैं एंड उनको लगता है कि यार ये वेले टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों को सबको बता दूं कि वी आर फाइनेंशियली वेरी मच गुड, बहुत अच्छे हैं हम, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से लोगों का ध्यान खींचने का। अगर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, हम लोग गाते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी बैठा है, ना कि सिर्फ हम, उन लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए। वो लोग मतलब इतने फालतू नहीं है कि वो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बारे में खिलाफ भी मत बोलिए। तो इस तरह से लोगों को ज़रूरत अपना माइंडसेट चेंज करने की। उसके बाद, हाँ, मैंने आपको बताया कि जम्मू में करियर नहीं बन सकता है। जम्मू में करियर इसीलिए मैंने बताया आपको पहले भी कि यहाँ पर लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमारे पास स्पॉन्सर्स की कमी रहती है, तो हम आर्टिस्ट को पेड नहीं कर सकते हैं। तो जम्मू जो है वो काफ़ी पीछे अभी इस चीज़ में कि, लेकिन मैं हमेशा से अपने लोगों को और अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जम्मू को एक प्रैक्टिस रूम की तरह देखिए। तो जम्मू में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मतलब कहीं पर अगर परफॉर्म करते हैं तो उसे एज अ प्रैक्टिस रखिए, लेकिन अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, वो हमेशा बाहर नेशनल के रखिए। तो आप लोग, और ये नहीं कि आप पूरी लाइफ छः साल हो गए आपको जम्मू में शोज करते हो और आप जम्मू में ही करते जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी बाहर जाने की। तो वो कोशिश हमेशा जारी रखिए अपनी। तो यहाँ पर कुछ मत सोचिए, यहाँ पर कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। राइट सिंह जी, मैं आपसे आखिरी में ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि आपके स्टूडेंट ही आप सीखते हैं, दो साल हो गए इनको आपके साथ, इस तरह से आपके साथ कितने और स्टूडेंट्स हैं आपके? देखिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लद्दाख से, कश्मीर से, रजौरी से। उनसे अक्सर जब भी वो मेरे पास आते हैं तो हमेशा हर 6 महीने के बाद जब भी वो आते हैं तो वो मेरे से कंटिन्यू करते हैं, इस तरह से सीखना शुरू करते हैं। अगर हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अगर वो भी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से आपसे रابطہ कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि सभी लोग मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम मॉर्लिन ब्राइटसन, वहाँ पर मुझे फॉलो करिए और वहाँ पर आप मेरे साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। फेसबुक पर आप मॉर्लिन ब्राइटसन करके सर्च करिए, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना नंबर बोलना चाहूँगा, 9797628453। आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए और ज़रूर आप सीख सकते हैं। और मैं बहुत सारे मतलब रॉक, हिंदी, क्लासिकल, मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको ट्रेन कर सकता हूं और आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम बाहर शोज करके आ चुके हैं। तो इस तरह से आप जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो हमारा जम्मू है, मैंने अपने जम्मू में देखा है, जम्मू भी काफ़ी हद तक बदल रहा है, जम्मू भी बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, चाहे वो प्रैंक की बात की जाए, जम्मू काफ़ी हद तक बदल रहा है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, काफ़ी हद तक जम्मू में डेवलपमेंट भी हुई है। अगर हम नई नई चीज़ों की बात करें, बिल्कुल जिस तरह से मॉर्लिन ब्राइटसन ने कहा, फिर भी कुछ लोगों की बात करेंगे जो इन नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए भी कि बाहर की कंट्रीज़ बहुत बदल चुकी हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा। हम बाकी इंडिया के अगर हिस्सों की
बात करें वो भी काफी हद तक बदल चुके हैं। हम चाहेंगे जो हमारा जम्मू है वो भी इन नई चीजों को अडॉप्ट करे और जो क्रिटिसाइज किया जाता है हमेशा वो कम से कम किया जाए ताकि हमारा जम्मू भी उछले स्तर तक पहुंच सके। तो हम आपके पास फिर एक बार रूबरू होंगे ऐसे ही नए आर्टिस्ट के साथ। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान जम्मू से।